राजेश आपकी बेटी तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे जो फोकस में रखेंगे हम, वो भारतीय एयरटेल का रहेगा। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए मिल रहा है। अगर ये देखें तो सेकंड कंजिक्यूटिव वीक है यहाँ पे, जहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है। स्टॉक में आज डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप के साइन बनते हुए दिखे। तो स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद, स्टॉक में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। हमें लगता है भारतीय एयरटेल को यहाँ से बाय करना चाहिए। अपसाइड में इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं 950 960 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 910 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है जुबिलेंट फूड का। स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में एक गिरावट देखने को मिली थी, आज काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लग रहा है जुबिलेंट फूड यहाँ से एक मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। 555 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 524 का। तीसरा स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस पे, काफी बार हमने चैनल पे रिकमेंड भी किया है इसे, टीवीएस मोटर। एक सस्टेंड अप ट्रेंड यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है और स्टॉक में जो पिछले 2-3 दिनों में एक गिरावट देखने को मिली थी, पूरी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज वापस से क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टीवीएस मोटर में जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, ये फर्दर अप मूव यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए दिख सकती है। 1550 हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1473 के आसपास।